एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शुमाइल आज़म और मैं अपनी आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी। मैं लाई थी काशिश का मेकअप, जो कि आप देख सकते हैं काशिश ब्यूटी पार्लर, काशिश ऑफिशियल, और ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है और इन्होंने दिया था मुझे कुछ इस तरह की पैकिंग में। ये आप देख सकते हैं, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैंने काशिश जाना है और मैंने वहाँ का मेकअप लेकर आना है, बस जाना नहीं हो रहा था। तो उस दिन मेरे हस्बैंड का ऑफ था, तो मैंने इनसे कहा कि चलें हम लोग तारिक रोड चलते हैं। इन काशिश ब्यूटी पार्लर तारिक रोड पर है और वहीं तारिक रोड पर करीब ही इनकी एक छोटी सी आउटलेट भी बनी हुई है जहाँ से हम ये सामान ले सकते हैं। तो मैं काशिश ब्यूटी पार्लर नहीं गई थी, जिसका मुझे बहुत अफसोस था। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मुझे काशिश के पार्लर जाना था, क्योंकि वहाँ अगर काशिफ असलम मिल जाते तो मैं उनके साथ पिक्चर ले लेती, जिस पर मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत मजाक भी उड़ाया था। तो जी, ये है जो मेकअप मैं वहाँ से लेकर आई थी, ये कुछ इस तरह की पैकिंग में। इनकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत थी और मैं आप लोगों को बताना था आप लोगों को कि मैं प्रोफेशनली जो हूँ एक ब्यूटिशियन हूँ और मैं मेकअप करती हूँ। मेरा घर में छोटा सा सेटअप है, मैं किसी दिन आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। मेरी अब तक की वीडियोस में आपने देखा था कि सिर्फ खाना बनाना और किचन मैंने आपको दिखाया था। तो अब इस वीडियो में मैंने सोचा कि चलें काशिफ असलम के प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करती हूँ, काशिफ ब्यूटी पार्लर के। तो जी, सब में पहले मैं बात करूँगी फाउंडेशन की। तो ये देखें, ये जो फाउंडेशन है कुछ इस तरह का था। ये मेरे पास इसमें शेड जो था वो था 0, सॉरी इस पर नहीं लिखा हुआ, इस पर लिखा है। मेरे पास इसमें शेड था 02। तो वहाँ के जो वॉलंटियर थे उन्होंने मुझे मेरी स्किन पे यूज़ करके दिखाया था और उन्होंने कहा था कि आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से लें, क्योंकि हमारी स्किन टोन के हिसाब से ही मेकअप सही रहता है। तो ये मैंने लिया था अपनी स्किन टोन के हिसाब से और मैंने ये ब्राइड की भी यूज़ किया है। मेरे पास जितनी भी ब्राइडल आई हैं, तो आप यकीन करें इसको लगाने से पहले ना तो आपको फाउंडेशन की ज़रूरत है, ना आपको कंसीलर की ज़रूरत है, ना आपको इससे पहले किसी प्राइमर की ज़रूरत है। हाँ, काशिश के पास ये सब चीज़ें थीं, प्राइमर भी इनका अपना है, इनका जो है काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हम फाउंडेशन लगाने से पहले इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह में जिसमें प्राइमर है, कंसीलर वगैरह है। लेकिन मैंने जितनी भी ब्राइट फेस को डायरेक्टली यूज़ किया है, तो यकीन करें इसको लगाने के बाद कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फाउंडेशन जो है इनका इवन टोन हाई कवरेज फाउंडेशन है और इस फाउंडेशन का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अगर आप लोग मुझे बताएंगे कि मैं किसी ब्राइड पे यूज़ करूं या कोई मेकअप आपके साथ शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसके प्राइस मैं आपको बताऊंगी बाद में। अब हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर के। तो ये काशिश का कॉम्पैक्ट पाउडर है जो कुछ इस तरह की पैकिंग में था, ये देखें। और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा था, क्योंकि हमने सिर्फ फाउंडेशन अप्लाई करना था, फाउंडेशन के अप्लाई बाद अप्लाई करना था हमने ये कॉम्पैक्ट पाउडर। और इनका कॉम्पैक्ट पाउडर जो है बहुत अच्छा था। काशिश की प्रोडक्ट मैंने सुना था बहुत महंगी होती हैं, पर महंगी होने के साथ साथ ये जो हैं बहुत ही अच्छी भी होती हैं, देखें। तो इसका रिज़ल्ट बड़ा ही अच्छा था। आप पार्टी में जाओ तो आप फाउंडेशन कम क्वांटिटी में लगाएं, हल्का सा कॉम्पैक्ट लगाएं, आपका बेस बिल्कुल तैयार है। और इसके अलावा आपने कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद आप डायरेक्ट जी जो है लिपस्टिक लगाएं, आप बिल्कुल रेडी हैं। और उसके बाद मैं लाई थी काशिश का हाइलाइटर, जो कि मैंने पहले सोचा था कि मैं ये ऑनलाइन बाय करूँगी। मैंने ऑनलाइन भी देखा, ऑनलाइन उनसे कॉन्टेक्ट किया, उनसे पूछा कि कितने का है, तो वो इसके प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे थे। तो मैंने सोचा कि तो बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैंने उनसे कहा कि अगर हम आपकी शॉप पे आके लें, तो उन्होंने फिर मुझे इसके प्राइस कुछ और बताए। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जब हम वहाँ चलते हैं और हम वहाँ से ये चीज़ें
लेते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ले गए थे और बड़ी आसानी से हम वहाँ से ही ले आए थे। तो काशिश का हाइलाइटर, ये जो है बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा शेड और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है काशिस की। और आप इसका जो है मैंने इसका गोल्डन शेड लिया था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सिल्वर शेड था, तो मैंने सिल्वर नहीं लेना था, पर इसका सिल्वर भी वहाँ का काशिस का बहुत खूबसूरत सिल्वर है जो मैं नहीं ले सकी क्योंकि भाई बहुत महंगा था और आपको इतना महंगा मेकअप लेने से पहले अपनी जेब का भी ख्याल करना पड़ता है। तो कुछ नहीं, फिर मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी और मैं काशिस की और चीज़ें लेकर आऊँगी। तो ये काशिस का जो है हाइलाइटर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये मैं किसी दिन आपको जब मेरे पास कोई मेकअप होगा, ब्राइट होगी तो इंशाल्लाह, और कोई अगर रेडी हो गया मेकअप ट्यूटोरियल के लिए तो मैं आपको पूरा मेकअप ट्यूटोरियल भी दूंगी ब्राइट का। तो ये इसका शेड है और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले हाथ पर अप्लाई किया था, अगर आपको नज़र आए तो ये देखिए काशिस का फाउंडेशन, काशिस का हाइलाइटर और काशिस का कॉम्पैक्ट पाउडर, ये तीनों चीज़ें मैंने पर्सनली यूज़ किए हैं और आप यकीन करें इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो मैं अब आ जाती हूँ इनकी कीमत पे, इनकी तारीफ़ें तो बहुत कर दी मैंने आपसे, तो यकीन करें आप मैंने तारीफ़ें वैसे ही नहीं की हैं। मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ें कैसी हैं, मैंने यूज़ की हैं तो मैंने सोचा मैं आपको बताऊं कि जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं तो वो कैसी हैं। मैंने ये तीन चीज़ें काशिस की यूज़ की थी और इसका रिज़ल्ट एकदम परफेक्ट है। तो आ जाते हैं हम फाउंडेशन पे, तो मैं आपको इसकी कीमत बता दूं, ये मुझे मिला था वहाँ से 2500 रुपये का, ये मिला था मुझे 2500 का और ये भी मुझे मिला था 2500 का। ये दोनों चीज़ें मुझे मिली थी 2500 की, मतलब 2500 का ये और 2500 का ये, और मुझे ये जो मिला था हाइलाइटर ये उन्होंने मुझे दिया था 1500 का। तो 1500 का ये, 250 एंड 250। तो ये मैं लाई थी काशिस से तीन चीज़ें, और उस ये लाने के बाद ऐसे ख़त्म हो गए थे। उसके बाद मैंने कहा कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी और मज़ीद चीज़ें लेके जाऊँगी। तो बस आप जाएँ काशिस के पॉलर और वहाँ जो तारिक रोड पे ही उनकी एक आउटलेट है, वहाँ से आप भी ले सकते हैं। मैंने वहीं से ली थी, जिसका मुझे बहुत अफसोस था कि मैंने काशिस का पॉलर अंदर से नहीं देखा। मैं पूरे रास्ते अपने हस्बैंड से ये कहती हुई आई कि मैंने इतने पैसे खर्च किए पर मैं काशिस के पॉलर अंदर नहीं जा सकी, क्योंकि हम वहाँ जा रहे थे और जाने से पहले ही हमें काशिस की आउटलेट नज़र आ गई, तो हम वहाँ रुक गए। जब हम वहाँ रुके और अंदर गए तो उनके जो वॉलंटियर थे उन्होंने हमें इस तरह गाइड किया कि हमने वहीं से ये सब चीज़ें ले ली, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब जब वहाँ से ले तो आए, फिर वहाँ से लाने के बाद हमें अफसोस बहुत ज़्यादा हुआ। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला मुझे क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है तो मैं इंशाल्लाह फिर जाऊँगी और बाकी चीज़ें भी लेके आऊँगी। जो चीज़ें मैंने ली थी उनके बारे में मैंने आपको क्लियरली बताया। ये देखिए मैंने यूज़ किया है, इसकी हालत आपको बता रही होगी, ये बहुत गंदा सा हो गया है और उसको मैंने काफ़ी इस्तेमाल किया है। मैंने इसे तकरीबन अभी तक जब से मिलाई हूँ मैंने इससे 4 ब्राइट तैयार की हैं और सिर्फ इस फाउंडेशन से ब्राइट तैयार की हैं। मैंने कुछ स्टिक वगैरह यूज़ नहीं की, पहले मैं कैरालोन की स्टिक यूज़ करती थी पर मैंने इस बार नहीं की। मैंने सोचा कि मेरी ब्राइट को भी बताऊं भाई कि मैं काशिस का मेकअप यूज़ कर रही हूँ, और वो बड़ी खुशी मुझसे मेकअप करवा के गई, और आप यकीन करें इतना बेहतरीन रिज़ल्ट था काशिस के फाउंडेशन का। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना नहीं भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।